जय हिंद दोस्तों, मैं विराट चौधरी, आपका छोटा भाई फौजी विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा स्पेशली उनके लिए है जो एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कब से कितना जल्दी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए और कितना जल्दी हमारा नंबर आ जाए और कौन से नंबर वाले उसमें नंबर आएगा नहीं आएगा। ये कई लोगों के दिलों में ये हो रखी है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी थी टोटल वो थी 60,200 पदों की। तो दोस्तों, 60,200 पदों में से जो एसएससी पिछले कितने पेपर में बैठे नहीं बैठे उसको छोड़ते हुए ये सीधी बात करते हैं हम कि जो पेपर मेडिकल के लिए बुलाए थे वो थे 150,000 समथिंग, 445 के आसपास। उसमें से 130,000 लड़के, 130,123 वो लड़के थी, 20,445 कुछ ऐसी, तो इनको मेडिकल के लिए बुलाया दोस्तों। तो आप ये मान के चलिए 150,000 है, इनमें से मेडिकल में 10% 100% 10% मेडिकल डायरेक्ट फेल हो जाएंगे, उनको रीमेडिकल का भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उनके कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं उनमें रीमेडिकल का मौका मिलना भी बहुत मुश्किल है, या 10,000 के आसपास वो डायरेक्ट मेडिकल फेल ही मानिए उसको। उसके बाद में जो बचते हैं दोस्तों 135,000, उनमें से ये मान लीजिए आपकी 80,000 से 85,000 के आसपास जो ग्राउंड मेडिकल पास हो जाएंगे दोस्तों, 80,000 से 85,000 बच्चे, 45,000 दोस्तों, 45,000 में से 15,000 मेडिकल में यहाँ आने के बाद में जब रीमेडिकल कराएंगे उसमें फेल हो जाएंगे क्योंकि कलर विजन जैसे पॉइंट नहीं टूटते, कईयों की कान की खराबी होती है वो पॉइंट नहीं टूटते, कईयों की टेढ़ी मेढ़ी होती है वो पॉइंट नहीं टूटते दोस्तों, और भी कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनके पॉइंट वापस नहीं टूटते दोस्तों, तो वो मान लीजिए वो निकाल दीजिए साइड में। तो उसके बाद में बच्चे 15,000 ऊपर गए तो 30,000 में से मेडिकल में से 5,000 से 6,000 ऐसे लड़के होते हैं, लड़के लड़कियां जो मेडिकल करना ही नहीं चाहते, फॉर्म फिलअप कौन करेगा, ऐसे कौन करेगा, और वो और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है फौज का या फोर्स में लगने का। तो वो दोस्तों आप 5,000 से 6,000 उनको उड़ा दीजिए, तो बच्चे 20,000 से 24,000 ये और 80,000 से 85,000 ये, तो दोस्तों कुल मिला के आपके आ जाते हैं 110,000 के आसपास, 100,000 मान लीजिए आप, ओवरऑल 105,000 के आसपास मान लीजिए, इतने मेडिकल के बाद में आपका कंपटीशन, यानी 1.5 गुना के आसपास आपका कंपटीशन रहता है, 60,200 पोस्ट है और 105,000 के आसपास जो मेडिकल के बाद में बचते हैं। तो दोस्तों कहाँ तक कट ऑफ रहेगी उसकी मैं आपको बता दूँ कि जिसके +2 है कट ऑफ के बाद में, अगर +2 या 3 नंबर है, 2 नंबर वाले का आप मान के चलिए 60 से 70 या 75% चांस बन गए हैं कि जिसके 2 नंबर है उसका नंबर आ जाएगा दोस्तों, और जिसके 3 नंबर है वो 100% है उसका पक्का नंबर आ जाएगा, और ज़्यादातर चांस है उसका कि सीआरपीएफ में आ जाए। और जो जिसका किस में आएगा फोर्स में, तो देखो सीआईएसएफ या जिसने असम राइफल भर रखी है दोस्तों, तो उसके लिए अगर कम से कम कट ऑफ से आपके 5 से 6 नंबर है, कम से कम 5 से 6 नंबर अगर प्लस है कट ऑफ के बाद में, तो दोस्तों आपके चांस है कि आपका नंबर आ सकता है सीआईएसएफ या असम राइफल या उसके बाद में आईटीबीपी हो गई, एसएसबी हो गई, बीएसएफ हो गई, फिर सीआरपीएफ है। तो क्योंकि सीआरपीएफ में जिनके +2 या 3 है उनका सीआरपीएफ में आने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि सीआरपीएफ की पोस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, इसकी पोस्ट सबसे ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़, किसी में भी नंबर आए आप ज्वाइन कर करना, क्योंकि सभी का पेमेंट सेम होता है, थोड़ी सी ड्यूटी का फ़र्क होता है, आपको कोई बहकाए तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, सभी का सेम सा ही होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सीआईएसएफ एयरपोर्ट ड्यूटी करती है, साथ में इंडस्ट्रियल एरिया में करती है, सीआरपीएफ इलेक्शन ड्यूटी हो गई और अदर जो ड्यूटी होती है वो करती है। तो दोस्तों ये आपके फाइनल मेरिट का नतीजा रहने वाला है, इसके आसपास रहेगा दोस्तों, ये मान के चलिए कि जिसके +2 और +3 उसका नंबर एसएससीजीडी में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये अनुमानित कट ऑफ के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने आज तक की नोटिफिकेशन पढ़ के जो निकाला है उसके अनुसार। और भी आप इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं मेरे से तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, मैं आपको इससे संबंधित और भी जो जानकारी आप जानना चाहते हो वो ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।